दिनों शराब माफियाओं का राज है, जहां एक तरफ सूबे के मुखिया राज्य में ताल ठोक कर शराबबंदी की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन शराब तस्करी की बात सामने आती रहती है। ताजा मामला मधुबनी जिले के हरलाखी की है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गंगौर गांव से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। इस मामले में थाना अध्यक्ष ने कहा कि होली को देखते हुए शराब तस्करों पर आगे भी कार्रवाई कर नकेल कसी जाएगी। मुजफ्फरपुर में पुलिस और एसएसबी के संयुक्त ऑपरेशन में अलग अलग थाना क्षेत्रों से अंतरराज्यीय गिरोह के 9 अपराधी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार अपराधियों के पास से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, 3 देसी कट्टा और 3 चोरी की गई बाइक समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान अपराधियों ने कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं इस मामले में एसएसपी ने बताया कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। पिछले कुछ दिनों में साहेबगंज देवरिया के क्षेत्र में मोबाइल छिनतई की और लूट की कुछ घटनाएं हुई। इन घटनाओं के संबंध में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी सरैया, एसएचओ साहेबगंज देवरिया और पारू के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसने बीती रात एक मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 7 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास से 2 देसी कट्टे, 2 राइफल और लूट का अन्य सामान बरामद। और शेखपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। मौके से 4 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई जिले के जयरामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभानपुर गांव की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप को गांव के बगीचे में उतारा जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और यह सफलता मिली। पुलिस ने 418 कार्टून शराब जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। देखिए, जो पहला वाला जो एक्साइज के द्वारा किया था वो ट्रांजिट में था, वो यहाँ से जा रहा था नौगछिया की तरफ में और उसको जो जांच करके पकड़ा गया है और ये यहाँ पे अनलोड किया जा रहा था और इसकी सप्लाई अलग जगह पे की। क्या था होली के मद्देनजर? हाँ बिल्कुल, ये होली के ही हिसाब से लाया जा रहा था। होली नज़दीक है और होली में ये लोग ज़्यादा दाम पे बेचने की कोशिश कर रहे थे और उसी में कई दिनों। आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद सहरसा जिले के महिषी प्रखंड स्थित राजनपुर पंचायत के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कोसी बांध के अंदर बसे लोगों को आज तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। इस कारण लोग आवागमन के लिए बांस से बने चचरी पुल का सहारा ले रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आपको बता दें कि पहले भी कई बार चचरी पुल के क्षतिग्रस्त होने से लोगों की जानें जा चुकी हैं। मुखिया प्रत्याशी संजीव कुमार ने बताया कि इस संबंध में कई बार स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक कोई पुल निर्माण के लिए कोई पहल नहीं की गई। यहाँ तो बिल्कुल ही पुल होना चाहिए और जब से आजाद हुआ है देश, तब से जो इधर का इलाका है बहुत ही पिछड़ा रहा है और आजादी के बाद लगभग सभी जगह विकास हुई है। तो 3 साल पहले ही बिजली भी यहाँ पे आई है और जो ये आप देख रहे हैं चचरी पुल, बहुत ही दुर्घटनाग्रस्त। कभी भी जैसे जो पानी बढ़ेगा तो फिर ये जो है टूट जाते, उसके बाद इसी नाव के सहारे से लोग आवागमन करते हैं। झारखंड के गुमला जिले में मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल जिले के नवडीहा गांव निवासी मनोज उराव ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर नाबालिग बच्ची को बेड़ियों से जकड़ दिया, जिसके बाद बच्ची को सौतेली मां लगातार प्रताड़ित कर रही थी। वहीं इस दौरान किसी तरह नाबालिग बच्ची घर से भागकर मजदूर यूनियन के जिला सचिव के पास पहुंची, जिसके बाद मिशन बदलाव के सदस्यों ने ट्वीट कर बच्ची को न्याय दिलाने की अपील की। मामले में पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।